स्वागत और अभिनंदन। आज एक आवश्यक मुद्दा ध्यान में आ गया जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तो आप सब लोगों के लिए उससे संबंधित कुछ चर्चा करना, कुछ जानकारी देना, कुछ सुझाव देना मैंने आवश्यक समझा। चलते हैं उस ओर। इन दिनों जो वैक्सीन बन गया है अपने भारत में, तो कई सारे विवादित बयान आ रहे हैं कि इस वैक्सीन को लगवाने से आदमी हिजड़ा हो जाता है, औरतें बांझ हो जाएंगे, ये मेन मुद्दा बना हुआ है, ऐसी चर्चा चल रही है। अब सरकार करे तो करे क्या भारत की, तो अगर किसी के मन में कोई बहम है, और एक व्यक्ति के नहीं अनेकों लोगों के मन में बहम है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, तो ऐसे बहम करने वालों की ओर से मैं भारत सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप कोरोना की जो वैक्सीन है, हालांकि मैं कोरोना वोरोना कुछ नहीं मानता, देखो पहले भी ऐसी नंगे होके वीडियो बनाता था, कोई सर्दी जुखाम बुखार नहीं, हमारे देश के किसी भिखारी को कोरोना नहीं हुआ, अमिताभ बच्चन जैसे पाखंडियों को कोरोना हो गया जो कि घर में मस्ती के साथ बैठे हैं, सोनू सूद जैसे सह कलाकार जो है बॉलीवुड का, अपने दक्षिण भारत की फिल्मों का, जो समाज की सेवा कर रहा था, सड़कों पे घूम रहा था जब लोग सभी अपने अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे, और वो उसके पत्नी बच्चे लोगों की मदद कर रहे थे, उसको कोई कोरोना नहीं हुआ। कोरोना ऐसे लोगों को होता है जिनके पास हराम की दौलत है और अपने घर में दबा के रखते हैं, मेहनत मजदूरी करने वालों को कुछ नहीं होता है, हाँ उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है ताकि डर का बिजनेस अच्छे से किया जा सके। मैंने बहुत सारे पहले भी वीडियो बनाए थे, लेकिन अब क्या बोलूँ, अब वैक्सीन का मुद्दा आ गया, तो कई सारे जो मुसलमान भाई बंधु हैं, बहनें हैं और हिंदू भी हैं, उनके मन में एक दहशत है कि आखिर अगर ये लगवा लिया तो फिर औलाद पैदा नहीं कर पाएंगे। तो मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि सबसे पहले जो वैक्सीन जो भी भारत सरकार कि नेता लोग हैं, सर्वोच्च नेता हैं, उनसे छोटे हैं, पहले तो बीजेपी पार्टी अपने राष्ट्रपति को लगवाए, प्रधानमंत्री जी को लगवाए, अमित शाह को लगवाए, आदित्यनाथ को लगवाए, इन सबको लगवाओ, उसके बाद में फिर कांग्रेसियों के भी चूतड़ों पे वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि उन्होंने भी तो राज्य किया है और राज्य करने का मनसूबा भी पाले बैठे हुए हैं, तो हमारी जनता को भरोसा हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद फिर जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं, नचेरे को दे रहे, अमिताभ बच्चन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोरोना वैक्सीन को, उसके भी ठुकवा दो एक, तो इन सब एक्टरों के, उसके बाद में आप जो हैं आपके जो भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके लगवाइए आप वैक्सीन ये। और एक बात और, दादागिरी के साथ में भारत सरकार वैक्सीन ना लगवाए, जब तक तुम जनता का विश्वास नहीं जीत लेते हो, जब तक तुम लोग उनके बहम को नहीं निकाल देते हो, तब तक निश्चित रूप से तुम्हारे लिए किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। तुम उदाहरण प्रस्तुत करो, क्या करो, एक आप उदाहरण प्रस्तुत एग्जाम्पल बनो, मॉडल बनो, और उसकी जब आप लोगों के कोरोना का वैक्सीन लगेगा, भारत सरकार के नेताओं के, मंत्रिमंडल के, एक्टरों के, कर्मचारियों के जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उसके बाद, और आप उदाहरण प्रस्तुत करो धीरे धीरे इससे, फिर इसके बाद लगवाना मुसलमानों के चूतड़ों पे, है ना।
जिससे उनके बच्चे पैदा करने की तादाद कम हो जाए। ठीक है ना भाइयों, ये तो मैंने मजाक की बात कह दिया, बुरा मत मानना प्लीज़। फिर हिंदुओं के लगेंगे, सिख और जैनियों के लगेंगे, लेकिन थोपा थापी ना करें, डर का बिजनेस ना फैलाएं। सच मानो बहुत राजनीति जानता हूँ बेटा, ऐसे ही ये दाढ़ी नहीं रखाई है। मोदी जी ने तो मेरे बाद में दाढ़ी को छोड़ा है, उनसे बहुत पहले दाढ़ी छूटा हुआ है बचपन से। बीच बीच में मुंडन करा दिया था अपने पूरे बालों का और यह सब, दाढ़ी पे मत जाइए। तो ये मेरा सुझाव है, इसको हंसी में मत लेना। इस वीडियो को भाई अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि भारत सरकार के से जुड़े हुए जो भी लोग हैं जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगे, सरकार तक पहुंचाइए। ठीक है ना, जैसे पल्स पोलियो चलता था अपने यहाँ पर, घर घर औरतों ने आना शुरू किया, और उस पे भी जो है मुसलमान आदमी औरतें कहते थे कि और बच्चा औरतें बांझ हो जाएंगी। हेलो, तब तो कांग्रेस का सरकार था, ये अपने बीजेपी का नहीं था। तो भी मुसलमान ये बोलते थे कि इससे नपुंसकता आती है। अरे यार, इतनी तो तुमने तादाद कर लिया, 56 देश मुसलमानों के बना लिए मच्छर मक्खी की तरह, हो जाओ नपुंसक, क्या फ़र्क पड़ता है। ओम शांति, ओम क्रांति।